दोस्तों, वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं आर्या डेयरी फार्म पे और इनके जो हमारे बड़े भाई हैं दिलीप भैया और अरुण भैया, दोनों हमारे बहुत करीबी रहे हैं और दिल से साथ हैं। सदैव इनका आभार व्यक्त करते हैं। हमें हर समय नॉलेज या नए इस सेक्टर में इनके हिम्मत और कार्य को देखते हुए हमने कदम बढ़ाया और काफ़ी चीज़ें सिखाया भी इन्होंने। कई बार आके हमारे घर पे भी सपोर्ट दिए हैं। इन सब योगदान को भूल नहीं सकते हैं। अगर रिलेटेड इससे हम काम कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों का योगदान होता है किसी के आगे बढ़ने में। इन्होंने तो जब हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं था इस सेक्टर में अरवल में, तब इन्होंने एक अस्तित्व बनाया और फार्मिंग को नया आयाम दिया। आज के डेट में इनके पास नए नए जनरेशन के हाई क्वालिटी जो है HF और जर्सी का क्रॉस ब्रीड जो बछिया है, काल्फ है, वो तैयार है, तो देख सकते हैं। सर, इसके बारे में बताइए, कितना मेहनत किए हैं तब जाके इसी क्वालिटी का आपका बछिया आपके फार्म पे तैयार तो हुआ? पहले तो अच्छा अच्छा सीमेन सेलेक्ट किए। जी जी। और सेलेक्ट करने के बाद ये परिणाम सामने आया। अभी हमने तो भी ABS पे काम कर रहे हैं। जी। जैसे ये बाछी मेरा है जी, ABS का जिग बुल का सीमेन लगा हुआ है। सर, जिग बुल का पहले तो आप खासियत जानते होंगे तब नहीं? हाँ। एक्चुअली अमेरिका के बुल है जी, और डेयरी पर्पस से बहुत बेहतरीन है जी। फैट पर्सन इसका 6.5 है। 6.5 है? हाँ, 6.5 है। 6.5 तो अमूमन सर भैंस का? हाँ, भैंस का ही है। और दूध जो है एक लैक्टेशन 300 दिन में 9700 लीटर है। 9700? हाँ, मैंने एवरेज 35 लीटर। सर, मतलब ये जो है आपका रिसर्च या आपका जानकारी का ही कमाल है कि आज अरवल जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में बिहार के अंदर, जहाँ पे लोग अनुभव नहीं कर पाएंगे कि ऐसी भी परिस्थिति है कि इनके पास इस क्वालिटी का थिंकिंग या गाय अवेलेबल है या बछिया तैयार हो रहा है, एक नया भविष्य तैयार हो रहा है। सर, अगर 2-4 साल बाद इन सब जब गाय में इलेक्ट्रिशियन में जब चेंज होगा काफ से, तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा कि जब इनका औसत मिल्किंग बढ़ जाएगा। हाँ, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो सर, इनका फीड भी मैनेजमेंट चेंज करना पड़ेगा या नहीं? इनका फीड भी जीन में? हाँ जी, दोनों। जैसे ये अभी हमारा ABS का टाइसन का बच्चा है। अच्छा, टाइसन ही है। हाँ, अभी इसमें जिग का सीमेन भी लग गया। जिग का? सर, हाँ, जिग का। ये सब गाभिन हो गया? हाँ, गाभिन। टाइसन का है जी, जो लमसम एक लैक्टेशन में इसका भी जी जी लमसम 98, यानी कि लमसम 10,000 लीटर इसका भी क्षमता है। 10,000 लीटर? हाँ, बाकी वो टाइसन में फैट पर्सन है 4-5 है जी, और इसमें जीक क्या लगाए हैं तो 6-5 है। सर, ये हमें बताइए कि कितने महीने के तैयार होने के बाद गाभिन हो गई? लमसम 10-11 महीना। 10-11 महीना टाइम लेता है। अगर सर, इनका क्या आहार के रूप में आप रखते हैं? मान लीजिए कोई युवा जो कर रहे हैं या जानकारी जिनको चाहिए, तो क्या खान पान इनको विशेष रूप से दिया जाता है? हाँ, मेन रूप से इसको हम 40% लमसम दिए, इसको मक्का 40% मक्का देते हैं। मक्का दिए। अच्छा, और उसके बाद कुछ दलहनी दिए, खल दिए, मिनरल्स दिए। हाँ, और कीड़ा के दवा जो है जी डिबर्मिंग, हर 3 माह पर करते रहे। हर 3 महीने पर डिबर्मिंग? हाँ, कंटिन्यू। सर, खान पान से ज्यादा डिबर्मिंग पे ध्यान देना? हाँ, डिबर्मिंग पर भी ध्यान देना। खाना ज्यादा दीजिएगा तो कीड़ा भी ज्यादा आएगा पेट में। जी जी। तो देखिए, क्या बात बताए हैं जो बिहार वासियों के लिए नहीं, हर आदमी के लिए जो फार्मिंग से रिलेटेड इशू पे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और कितना हीफर तैयार किए हैं आप देखिए। हमारा 7 हीफर ऑलरेडी है जी। हाँ, तो इसको भी सीमेन लगा है, बाकी रिपीट हो गया। अच्छा, ये रिपीट? हाँ, हो गया। ये रिपीट हो गई है अभी, ये वाली। हाँ, इसको भी जीगे का लगाया था, जीग का। और इसको अभी हम स्ट्राइकर ABS का, स्ट्राइकर का लगाया है। ABS स्ट्राइकर लगाया? हाँ। सर, क्या कुछ खास कनेक्शन है जीक के साथ? मतलब उसका क्या गुणवत्ता आप कुछ लग रहा है? हाँ, अंदर से देख? हाँ, रहे हैं जीक का तो है ही, ज्यादा ही जीक के। जब हमको डेयरी में ही दूध देना है जी जी, तो जीक में जब फैट पर्सन अच्छा है जी, तो फायदा तो है उसमें। अच्छा, फैट ज्यादा है? फैट ज्यादा है उसका। तो फैट मान के चले कि इसका जो बच्चा निकलेगी जी, तो लमसम डेयरी में 40 का कीमत निकलेगा, 40 से ऊपर। 40 रुपए लीटर? हाँ, 40 से ऊपर। तो अगर डेयरी में 40 का जाएगा तो बहुत बड़ा प्लस। जब डेयरी में 40 जा रहा है तो मार्केट में 55 के लमसम आ गया। 55 के? सर, 55 का। सर, ये कितने बछिया अभी आपने पिछले 1-2 सालों के बीच में जो तैयार किया है, कितना आपके पास एबिलिटी बढ़ा है जो है? टोटल 3 तो बच्चा दे दी जी, अभी 7 यहाँ पे है जी, 4 छोटा छोटा उधर है। इसको भी हम ABS का जीगे लगाए हैं। ये भी जीगे लगाए? हाँ, जीगे लगाए हैं इसको भी।
सर तो इनको क्या अपना खुद अपने लिए रखना चाहते हैं या सेल भी करना चाहते हैं? कुछ नहीं नहीं, अभी तो बछिया हम रखेंगे। हाँ, अगर सीमेन हमसे कोई लेना चाहे जी तो सीमेन उपलब्ध है। सीमेन के लिए अपना कॉन्टेक्ट नंबर बोल दीजिए अगर किसी हाँ। भी जो है हमारे बड़े भाई जो AI वर्कर हुए अरुण कुमार जी जी, उनका नंबर है 99390 जी 96148 99390 96148। मेरा नंबर हुआ 72 50 85 34 54 72 50 85 54 34 54। तो ये सब दोनों भाई का नंबर है, मोबाइल नंबर आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसको हम ABS का स्ट्राइकर लगाए हैं। ये ABS का स्ट्राइकर है? स्ट्राइकर का है। तो कितना क्वालिटी का सब जो है काफ थी जो है बछिया तैयार हुआ है और जो हीफर है एकदम मस्त है, और ऐसी अगर कंडीशन है तो ये मिल्किंग भी बहुत बेहतर करेगी। बहुत बेहतर। अच्छा सर ये बताइए कि एक बछिया को अगर देसी जो बछिया होता है उसके खान पान और मेहनत को जोड़ा जाए तो शायद इससे डबल हो रहा है। हाँ, डबल हो रहा है। और उसका प्रोडक्शन भी कम है, बहुत बहुत कम है। लेकिन इनका सर ऐसा क्यों, मतलब क्या क्या चेंजमेंट करते हैं वो लोग सीमेन में जो ऐसा चेंजमेंट? सीमेन ये तो फॉरन है, इंडिया का काम नहीं है। इंडिया में तो सीमेन पे बहुत कम काम हो रहा है जी। ये सब जो हम सीमेंट बता रहे हैं सब अमेरिका का इंपोर्टेड सीमेंट है। अमेरिका का? अमेरिका का सीमेंट है जी। खास करके जिग जो है जी, जी। अमेरिका का है। और स्ट्राइकर या हैमर हमको लाना है, मेन रूप से हैमर लाना है। तो हैमर भी वहीं के यहाँ लगता है कि हैमर का वर्ल्ड में फोर्थ सिक्स में पोजिशन है, वर्ल्ड में पोजिशन है हैमर का। तो ये था सर के साथ हमारा खास अनुभव और बछिया के बारे में इन्होंने जो जानकारियाँ दी। एक और रह गई, ये हमारी ABS का ब्राजील का गणपति गिर का लगाया है। एक गिर का लगाया है? हाँ, हाँ। तो अभी तक गिर का आपके फार्म पे लगता नहीं, नहीं है कि नहीं, मुझे लगाए हैं फर्स्ट टाइम। ये पहला ऐसा है, ब्राजील का सीमन है ये, काफी प्यारा है। ये भी बहुत प्यारी है, बहुत स्मार्ट है। देखिए ना कितना मजा आ रहा है इसके साथ खेलने में। जो बुल होता है उसको कितना खान पान मेंटेनेंस से रखा जाता है या कितना बेहतर क्वालिटी का जनरेशन होता है उनका या गुणवत्ता होता है कि इस तरह की बछिया वो हमें देते हैं। तो अगर फार्मिंग में बढ़ना है तो ब्रीडिंग का अहम रोल कैसे हो रहा है सर, एक कैसे चेंजमेंट के रूप में आप देख रहे हैं? हाँ, ब्रीडिंग का तो अहम रोल है ही, सबसे ज़्यादा है। मेन आपका मैनेजमेंट सही रहेगा तो ही ब्रीडिंग करवाइए जी। जब तक भोजन सही नहीं दीजिएगा, रख रखाव सही नहीं रहेगा तो ब्रीडिंग चेंज करने से कोई फायदा नहीं, फायदा नहीं है। तो मतलब ब्रीडिंग चेंज करने के लिए रख रखाव भोजन पे हाँ काम करने पड़ेगा जी, काम करने पड़ेगा तब ना ब्रीडिंग पर काम कीजिएगा जी। बच्चा अच्छा निकाल लीजिएगा जी, और उसका खिलेबे नहीं कीजिएगा अच्छा से जी, पोषक तत्व तो नहीं दीजिएगा तो फिर क्या फायदा होगा? पोषक तत्व तो मतलब हाँ, भरपूर देना। हाँ, भरपूर देना है। तो ये खास जानकारी सर के साथ था। 4-5 मिनट जो गाय में मान के लिए 7 बछड़े गली पे एक एक नदी थी। हां, एक गुरी जी, वो हमारे फर्स्ट बार में एक सीमेन पर, ये देखिए 7 में से 6 जो है कंसीव कर गया है। हाँ, फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन। हाँ, बहुत बड़ा एक सफलता है क्योंकि शायद कोई ना कोई गाय जो है मतलब 50-50 चांसेस रहता है अगर आपने 6-7 का दिया। सबसे एक्सेल सीमेन, सबसे एक्सेल सीमेन, सबसे एक्सेल सीमेन। तो ये आपका खान पान की क्या कारण समझते हैं जो इतना? हाँ, खान पियान हमारा सुपर नेपियर और जो हम खाना देते हैं और ऊपर से जो हम सुपर नेपियर देते हैं उसका कमाल है। ये सब मतलब आपका मेहनत और सोच और समय का कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम टू टाइम खाना, टाइम टू टाइम पानी, टाइम टू टाइम समझे ना, टाइम टू टाइम। इस सेक्टर में आप दोनों भाई का जो मेहनत है वो इतने लोगों को सेवा में बाल पका दिया। तो आप ये अनुभव जो है अब क्या चाहते हैं सर कि आपने आने वाला जो भविष्य कोई ना कोई आसपास में पकड़ रहा है इस काम को कि इसे नहीं? अभी तो अपने जिला में हम समझते हैं कि ऐसा नहीं है, हमारे बात लगता है कि तुम ही आएगा इस सेक्टर में और तो नहीं अपने जिला में। हाँ, बिहार में है सर, बिहार में लोग जी लगा है 3-4 फॉर्म जी, जी। बहुत ऊपर सोच वाले लोग हैं जी और लोग से हमको मतलब हम लोग का भी है जी। एक दूसरे से वार्तालाप होते रहता है। तो बाद में जाएंगे ना, पहले अपना में 2-4-10 को तैयार करना पड़ेगा ना, कि कम से कम मन में रहेगा कि ना भाई नींव छोड़ के जा रहे हैं तो कोई संभालने वाला है। जिला भी गोबर से घृणा करता है, लोग गोबर से घृणा नहीं। बदलाव सर, ई जो है रुतबा नहीं मिलेगा, घृणा कैसे करते हैं
ये तो हमें समझ में नहीं आया, जब हमारे पूर्वज जो है शुरुआती पीढ़ी में होंगे ना। चिराग तले अंधेरे जी, या दिया जब रोशनी फेंकता है ना जी, तो अपने पास रोशनी नहीं बिखरता है जी जी, दूर दूर तक ले उसका रोशनी जाता है, उसके पास जी रोशनी नहीं जलता है। तो सर ये हमें जो आपकी जो बातचीत है, थोड़ा सा लगता है कि अब समाप्ति विराम देने की आवश्यकता है, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं ये बड़े आस लेकर के उन्होंने गाय पालना शुरुआत किया था, आज से शायद 100-200 साल 400 साल पहले, तो उसका हमने अस्तित्व को नष्ट करने पे तुले हैं, बशर्ते आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं। ये बहुत बड़ा एक विडम्बना है, या समझ सकते हैं कि ये मिथक हो रहा है उनके सोच का, या जो लेकर के चले थे खेती और गाय पालना एक मतलब अब सम्मान काम में वो शुरुआती स्टेज में था, जो आज के डेट में नेगेटिव लोग सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर है, एक नज़र देख सकते हैं, और इस तरफ ही पीछे सर के फार्म है, पूरा हीफर सर दिखा रहे हैं, देखिए कितना लाइन से बहुत सारा तैयार किए हैं, लग रहा है कि यहाँ तो भंडार हो जाएगा दूध का आने वाले समय में। तो इस तरफ देखिए पूरे हैं गौ माता जो हैं पूरे, देख लीजिए नज़र से, और उधर पीछे छोटा वाला है। थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट कम है, इसलिए सर का साथ छूट रहा है, अधूरा हो रहा है, तो धन्यवाद, थैंक यू।